अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमार एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्नो हैक्स। तो अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप उससे पैसे कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप मोबाइल फोन से पिक्चर्स वगैरह खींच कर तकरीबन $10 से $20 आप रोजाना के कमा सकते हैं। तो वेबसाइट का जो नेम है वो है dreamstamp.com। तो तारुफ करवाने से पहले आपको बता दूं कि आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। देखें, ये जो वेबसाइट है इसके बहुत बड़े बड़े कस्टमर हैं, जैसा कि गूगल, एप्पल, कोका कोला और इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो इस वेबसाइट के कस्टमर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आपको पैसे कैसे आएंगे। देखें, जैसे आपको पिक्चर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोई नेचर वगैरह की कोई वीडियो बनाते हैं, आप किसी गाँव वगैरह में रहते हैं या गांव वगैरह में जाते हैं तो वहां से कुछ वीडियोस या कुछ फोटोज वगैरह बना के आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। अब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो बजाय के गांव वगैरह पे अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो बजाय वहां जाने के वो ऐसी वेबसाइट से वीडियोस परचेज कर लेते हैं। तो जैसे उससे वीडियो परचेज करेंगे उससे आपको भी प्रॉफिट होगा और आपको भी वो पैसे आएंगे। तो आज की स्टूडियो में आपको कंप्लीट मेथड के बारे में बताऊंगा कि आप उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे इस पे अपने फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कैसे पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को मुकम्मल देखना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पर आपने 3 डॉट्स में जाके इसको डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो इसके बाद आपने सर्च बार में सर्च करना है dreamstamp.com। ये वेबसाइट का नेम है dreamstamp.com। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद अगर नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके देखो तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 193 मिलियन स्टॉक फोटोज एंड 44 मिलियन यूज़र्स इस वेबसाइट के जो हैं। इसके अलावा अगर आप और नीचे स्क्रॉल करें तो आप नीचे यहां पर देख सकते हैं पॉपुलर इमेज सर्चेस, यानी ये जो कुछ पॉपुलर इमेजेस हैं जो ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किड्स स्कूल, वुमेन, हॉस्पिटल, फायरवर्क्स, फोटो विद फ्लावर्स, न्यूज़, नेचर, यानी बहुत सारे कुछ पॉपुलर यहाँ पर जो इमेजेस हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इससे आपको मज़ीद आइडियाज़ भी मिल सकते हैं। आप कुछ फोटोग्राफी या कुछ मतलब सैंपल्स आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं इसमें कोका कोला, और ये कुछ ब्रांड्स आपको यहां पर शो हो रहे होंगे जो इसके कस्टमर्स हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करें तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.3 मिलियन स्टॉक फोटोज और इसके अलावा तकरीबन 44 मिलियन के करीब इसके यूज़र्स हैं। तो अब बात आती है कि हम इससे पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रही होगी अपलोड एंड सेल योर पिक्चर। तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक और पेज पर ले जाएगा। तो अगर आप इस पेज के नीचे स्क्रॉल करें तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आ रही होंगी, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो सबसे यूज़फुल जो इसका फीचर है वो यहाँ पर अगर आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑफलाइन और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं तो आप इसकी ऐप डाउनलोड करके उस ऐप पे पिक्चर अपलोड कर देना, वो ऐप भी आपको यहां से ही मिल जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे ही ऑनलाइन होंगे जो आपकी पिक्चर है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी, आप यहाँ से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और नीचे स्क्रॉल करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ टॉप अर्नर्स भी यहाँ पर शो हो रहे होंगे जो इस वेबसाइट से काफ़ी पैसे कमा चुके हैं और कमा रहे हैं। तो पिक्चर या वीडियो अपलोड करने के लिए आपने सबसे पहले इस वेबसाइट को साइनअप कर लेना। तो साइनअप करने के लिए आपने साइनअप बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल देनी है और नीचे पासवर्ड देना है। तो ईमेल और पासवर्ड देके आपने साइनअप पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइनअप पर क्लिक करेंगे यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका अकाउंट साइनअप हो जाएगा। तो ये मेरा अकाउंट है, ये साइनअप हो चुका है। इसके बाद अगर आपका न्यू अकाउंट बनाया तो यहाँ आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स देनी पड़ेगी। जैसे आपने अपना यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, और यहाँ पर आपने अपना सिटी नेम लिख देना, और यहाँ पर आपने अपना जिप कोड टाइप कर देना, और इसके बाद नीचे आपने फ़ोन नंबर आपने अपना यहाँ पर दे देना।
तो ये सारी डिटेल अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी इक्विपमेंट डिटेल अपलोड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल फ़ोन है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल फ़ोन। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा वगैरह भी है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपने ये फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या आपने वो लिख देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नेचर लिख देता हूँ तो नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मेरा नेम भी यहाँ पर शो हो रहा है, मेरे जीमेल भी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। तो आप यहाँ पर अपनी पिक्चर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने नीचे ना तो आपको ऑप्शन आ रही होगी अपलोड एंड सेल फोटो, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी ऐड और ड्रॉप फाइल। तो ये नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आपने इसको भी पढ़ लेना है। तो आपने सिंपल ऐड और ड्रॉप फाइल पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फाइल्स में ले जाएगा। तो यहाँ से आपने गैलरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपने गैलरी से आप जो पिक्चर आप अपलोड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देने। तो मेरे पास एक पिक्चर थी जो रावी बीच पर हमने जाके खींची थी, तो मैं वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो पिक्चर अपलोड हो चुकी है तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, आपने कोई भी कॉपीराइट इमेज अपलोड यहाँ पर नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल वगैरह से उठाकर आपने कोई भी पिक्चर यहाँ पर अपलोड नहीं करनी, वरना वो यहाँ पर कॉपीराइट देकर आपकी पिक्चर रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आपको बता रहा है इमेज मस्ट नॉट इंक्लूड लॉग्स और कॉपीराइटेड एलिमेंट, यानी जो मेरी पिक्चर है इस पर किसी किस्म का कोई भी कॉपीराइट नहीं है क्योंकि ये मैंने खुद अपने मोबाइल से बनाई हुई है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपने इसको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। तो क्योंकि ये जो पिक्चर है वो मैंने रावी पर बनाई थी तो मैं इसको यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ रावी रिवर। तो टाइटल बार में मैं रावी रिवर यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ द ब्यूटीफुल रावी रिवर, सॉरी द ब्यूटीफुल रिवर इन साहिवाल सिटी नेम रावी। तो आप ऐसे अच्छी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो अगर हम जस्ट स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रही होगी कैटेगरीज और ऐड कीवर्ड्स की। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुके हैं। तो आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये आपके सामने ऑप्शन आ रही है 29 आवर्स, यानी वो 29 घंटों में आपकी जो इमेज है उसको चेक करेंगे कि वो कितने यूज़फुल हो सकती है, उस पर किस किस्म का कोई कॉपीराइट वगैरह इशू तो नहीं है। तो 29 घंटे बाद आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपकी इमेज सेलेक्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है उसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे इन फ्यूचर में और ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स अर्निंग के रिलेटेड लेकर आता रहूंगा एंड साथ साथ आपको यूट्यूब सीईओ कोर्सेज के रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।